नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नज़र से। हिंदुस्तान बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आज़ादी की 75th एनिवर्सरी मना रहा है। इस उपलक्ष में हमने इस कार्यक्रम के तहत पिछले कुछ एपिसोड से एक स्पेशल श्रृंखला आप लोगों को प्रस्तुत करते आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम आज़ादी के तरफ हम भारतवासियों के आखिरी कदम क्या हुआ था अगस्त 15, 1947 को और उसके एक दो दिन पहले से, उसके बारे में आपको बताएंगे। बात की शुरुआत करेंगे 13 अगस्त 1947 के घटनाओं से कलकत्ता में। आप सब जानते हैं 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था। उस दिन की घटनाओं से सांप्रदायिक हिंसा एकदम से देश के कई हिस्सों में भड़क गई थी। 72 घंटों की अवधि में दोनों समुदायों के अप्रॉक्सीमेटली 5,000 लोग हिंसा में मारे गए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि उस दिन के बाद हिंदुस्तान का बंटवारा लगभग तय हो गया था। सवाल सिर्फ यही बचा था, कब और कैसे और किस तरह से। अक्टूबर 1946 में नोआखाली में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की शुरुआत के बाद से, नोआखाली अब बांग्लादेश का हिस्सा है, गांधी जी ने अपना समय सांप्रदायिक पागलपन को खत्म करने की कोशिश में बिताया। मार्च 1947 तक गांधी जी नोआखाली में ही रहे और उसके बाद दूसरे सांप्रदायिकता से प्रभावित क्षेत्रों में घूमते रहे। गांधी जी खास तौर से बिहार के कुछ हिस्सों का दौरा कर रहे थे, क्योंकि राज्य में नोआखाली राइट्स के बाद मुसलमानों पर, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पर हमले हुए थे, इसलिए गांधी जी वहाँ वक्त दे रहे थे। 9 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी पटना से कलकत्ता पहुँचे और वहाँ हिंसा रोकने का प्रयास करते रहे। उन्होंने मार्च 1947 में नोआखाली के मुसलमानों को यह कहकर आए थे कि हिंदुओं की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। अब कलकत्ता में उन्होंने हिंदुओं से कहा कि उन्हें मुसलमानों को सुरक्षित रखना होगा। तभी पूर्वी बंगाल में, जो कुछ दिनों के बाद ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाएगा, हिंदू सुरक्षित रहेंगे। गांधी जी 9 अगस्त से 7 सितंबर 1947 तक कलकत्ता में रहे। वही मिशन था, सांप्रदायिक हिंसा पर रोक लगाना। उसके बाद वे दिल्ली चले गए और वहां जाकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक रहे, जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें एक साजिश के तहत मार डाला। उस साजिश के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। बिगड़ते सांप्रदायिक दंगों के बावजूद इतिहास का पहिया नहीं रुका। भारत और पाकिस्तान की आजादी के लिए तैयारी जारी थी। रेडक्लिफ आयोग का भी काम चल रहा था। अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने के लिए कमीशन रेखा खींचने का काम कर रहा था। रिपोर्ट तैयार थी, लेकिन 17 अगस्त 1947 तक गुप्त रखी गई। जब हम 14 और 15 अगस्त 1947 की घटनाओं को हाइंडसाइट के बेनिफिट से देखते हैं, तो स्पष्ट समझने में आता है कि घटनाएं अलग अलग थिएटर्स में घट रही थी। तीन थिएटर्स थे मुख्य तौर पर। सबसे पहले भारत के अलग अलग रीजन्स में सांप्रदायिक हिंसा थी, एक तरफ हिंदू और सिख और दूसरे तरफ मुसलमान। कोई डेफिनेट फिगर्स नहीं है, पर माना जाता है कि करीब 10 से 20 लाख लोग मारे गए थे इन दंगों में और करीब 1.5 से लेके 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे।
जगह जगह पर रिफ्यूजी कैंप्स बन गए थे। कई तो अपने घर को छोड़कर इनमें रहने लगे थे क्योंकि अपने घर में वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। ट्रेन दोनों इलाकों में उधर पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ और यहाँ से लेके वहाँ तक के लिए खचाखच भरे हुए थे। तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी। इसी वेदना के बिल्कुल विपरीत लोग आज़ाद होने की खुशी भी मना रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी खबरें थी, पाकिस्तान में भी यही दृश्य देखने को मिले। इन दोनों थिएटर्स के अलग अगस्त 14th और 15th 1947 को बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हिंदुस्तान के संविधान सभा में घट रही थी। 14 अगस्त 1947 को रात के ठीक 11 बजे संविधान सभा का 5वां सत्र आरंभ हुआ था। अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। हाउस के प्रोसीडिंग्स वंदे मातरम के गायन से शुरू हुआ। श्रीमती सुचेता कृपालिनी ने इस गीत का पहला स्टैंजा गाया। सब सदस्य खड़े थे। उसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना भाषण दिया जो हिंदुस्तानी में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस महत्वपूर्ण भाषण को कई महत्वपूर्ण खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बिंदु उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद करना था जिन्हें अंग्रेजों ने अलग अलग तरीके से दंडित किया था। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को धन्यवाद दिया, कहा कि वह पिछले 30 वर्ष या उससे भी अधिक समय से सबके गाइड और फिलोसोफर बने रहे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दुनिया में सबको भरोसा दिलाया कि आजाद भारत सबके साथ दोस्ती के रास्ते से नहीं भटकेगा। तत्पश्चात उन्होंने हिंदुस्तान के बंटवारे पर अपना दुख व्यक्त किया, कहा कुछ समय साथ रहने के बाद तो अनजान भी अपने लगने लगते हैं। पाकिस्तान में दुखी लोगों को भी उन्होंने मैसेज दिया कि अपने संस्कार, संस्कृति और इंसानियत से ना भटकें, कभी किसी पर संदेह ना करें। उन्होंने भारत के अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया, उन्हें उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार मिलेगा और उनके विरुद्ध किसी भी रूप का कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने उनसे वादा किया उनका धर्म, संस्कृति और भाषा सुरक्षित रहेगी और नागरिकों के रूप में उनके अधिकारों की हमेशा रक्षा की जाएगी। अपने भाषण समाप्त करने के पहले उन्होंने सब सदस्यों को शहीदों के याद में खड़े होने के लिए निवेदन किया। राजेंद्र बाबू को आज के राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में नेहरू और उनकी राजनीति के विरोधक माने जाते हैं। हमेशा दोनों के मेमोरीज को एक दूसरे से लड़वाया जाता है, लेकिन उनके भाषण में तीन बिंदु ऐसे थे जो साबित करते थे कि नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच मतभेद हो सकते थे, लेकिन कुछ मूल मूल्यों पर वे एकजुट थे। पहला कि सभी राष्ट्रों के साथ मित्रता का वादा किया उन्होंने। दूसरा बिंदु विभाजन पर अपना गहरा दुख शेयर किया मेंबर्स और उसी की तरह नागरिकों के साथ। और अंत में उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रॉमिस किया कि उनको आजाद भारत में यूनिवर्सल राइट से वंचित कभी नहीं किया जाएगा और एश्योरेंस दिए कि उनके खिलाफ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये सब आज के भारत में खतरे में है। हिंदुस्तान के राजनीतिक डिस्कोर्स की दिशा और कैरेक्टर को देख पता चलता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने इंक्लूसिव किस्म के नेता थे, ना कि कांग्रेस में कोई छिपे हुए एक दक्षिणपंथी, जैसे कि अक्सर अब बताया जाता है। राजेंद्र प्रसाद के बाद बोलने वाले नेहरू जी थे
ऑफिशियल रेजोल्यूशन मूव किया उन्होंने और उसी के साथ अपना ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण दिया, जिसे आज भी दुनिया में सबसे बेहतरीन और मार्मिक भाषणों में से एक माना जाता है। लॉन्ग years अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, यानी बहुत साल पहले हमने भाग्य के साथ वादा किया था। एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटैंशियली। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आगे और बहुत कुछ उन्होंने कहा था। नेहरू जी के इस भाषण के बारे में शायद ही कोई हिंदुस्तानी होगा जिसने या तो इसे पढ़ा या फिर सुना नहीं होगा। अपने भाषण के बाद नेहरू जी ने वे प्लेज पढ़ा जिसे सब सदस्यों ने दोहराया, लेकिन उसके पहले यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश कहा गया, वहां के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य चौधरी खलीकुज्जमा ने रेजोल्यूशन और प्लेज को सपोर्ट किया। खलीकुज्जमा लंबे समय तक लखनऊ में मेयर थे। वे पाकिस्तान नहीं गए थे, हालांकि उनके परिवार के कई लोग जा चुके थे। दुख की बात यह है कि अंततः भारत छोड़कर वो भी चले गए, परंतु पाकिस्तान में टूटे हुए दिल के साथ जीवित रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन, जो संविधान सभा के सदस्य थे और बाद में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने भी प्लेज के समर्थन में बोला। उनका भाषण भी बहुत इवोकेटिव था। प्लेज पर फॉर्मली वोटिंग हुई, उसे फिर से पढ़ा गया। प्लेज ये था, एट दिस सॉलेम मोमेंट व्हेन द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू सफरिंग एंड सैक्रिफाइस हैव सिक्योर्ड फ्रीडम एंड बिकम मास्टर्स ऑफ देयर ओन डेस्टिनी आई, फिर हर सदस्य अपना नाम बोल रहे थे, डू डेडिकेट माईसेल्फ इन ऑल ह्यूमिलिटी टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल टू द एंड दैट दिस एंशंट लैंड attain her rightful and honored place in the world and make her full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind. Aadhi raat ke kareeb tha jab Dr. Rajendra Prasad ne kaha ki Viceroy Lord Mountbatten ko suchit kiya jaye ki Samvidhan Sabha ne power assume kar liya hai aur unhein आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में अपॉइंट किया जा रहा है। उसके बाद श्रीमती हंसा मेहता ने भारत के महिलाओं की ओर से राष्ट्रध्वज प्रस्तुत किया। सुचेता कृपालिनी ने सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा के कुछ पंक्तियां गाएं और उसके बाद जनगण मन अधिनायक जय है का पहला वर्स गाया गया, तब तक नेशनल एंथम के रूप में इस गीत को एडॉप्ट नहीं किया गया था। संविधान सभा एडजर्न किया गया। बाहर जनता हजारों की तादाद में खड़े थे। लंबे समय तक सभा के सदस्य बाहर नहीं निकल सके, दरवाजा तो नहीं ही खुल रहा था। हर्ष और उल्लास का माहौल था। दुनिया शायद सो रही थी, लेकिन एक नए भारत का जन्म हो रहा था। अगले दिन यही माहौल बना रहा। एक और आधिकारिक कार्य यानी कि ऑफिशियल फंक्शंस होते रहे, शपथ लेना गवर्नर जनरल का, प्रधानमंत्री का और बाकी मंत्रियों का, और उसके बाद संविधान सभा की बैठक और इमारत के शीर्ष पर भारतीय ध्वज का फहराना। यूनियन जैक को नाटकीय ढंग से नहीं उतारा गया था और उसके जगह भारतीय झंडे को नहीं फिराया गया था जैसे कि आम सोचा जाता है। एक गलत धारणा ये भी है कि नेहरू जी ने तिरंगा फहराया और लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। ये परंपरा 1948 से शुरू की गई। 15 अगस्त 1947 को इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में सार्वजनिक समारोह
शाम को हुआ था। हर हिंदुस्तानी को बंटवारे का दुख और आजाद होने की खुशी के साथ साथ हर वाक्य को याद रखना चाहिए जिन्हें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने संविधान सभा में कहा था। तब हम मूल्यांकन कर पाएंगे उनके दिए हुए पथ पर हम अभी भी हैं या कहीं भटक के गिर गए हैं। नतीजा आप ही को निकालना होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, पर डालिएगा, परंतु व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ट्यूटोरियल्स को नहीं पढ़िएगा। नमस्कार।